कैंडिडेट भी है और मैं समझता हूँ कि हमारे यूथ के लिए एक बहुत अच्छा पैगाम और पहुँचाएगा भी, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो सॉफ्ट इमेज पाकिस्तान का इंटरनेशनली जाएगा वो एक बहुत बड़ी अहम खबर है हमारे लिए और एक अहम चीज़ है कि जिसकी वजह से दूसरे स्पोर्ट्स को भी इसकी इंकरेजमेंट भी मिलेगी। और जैसे कि आपने देखा होगा कि ऑलरेडी स्क्वाश के, हॉकी के दूसरे इवेंट्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस इवेंट से इसका भरपूर फ़ायदा उठाया जाएगा। और ख़ास तौर पर मैं लोकल गवर्नमेंट्स का, एजेंसीज का जो इस ऑर्गेनाइजिंग में शामिल हैं, ये उनकी कोशिशों की वजह से आज ये रंग लाई। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट पूरा एक महीना जब ये इवेंट होगा तो वो इंशाल्लाह कामयाबी के साथ ख़त्म होगा। तो मैं और ख़ास तौर पर आप लोगों का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, मीडिया का। आई थिंक मीडिया इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, हर चीज़ के पीछे उनकी एक मतलब जिस तरह उनकी कवरेज होती है, जिस तरह उनकी पॉजिटिव सपोर्ट होती है, आई थिंक हर इवेंट को कामयाब कराने में उनका बहुत बड़ा हाथ होता है। तो आई वुड लाइक टू थैंक्स एवरी ईच वन ऑफ यू और थैंक यू पीसीबी फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू बी हियर टुनाइट। मेरा सवाल ये है कि अब आप ये देखते हैं, एक ज़माने में पाकिस्तान जो है ना वर्ल्ड स्क्वाश में डोमिनेट करता था, क्रिकेट में भी पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीता, तो आप क्या समझते हैं अब ये स्क्वाश जो का खेल जो है वो क्रिकेट से कैसे मोटिवेशन हासिल करता है, दोबारा कैसे रिवाइवल हो सकता है पाकिस्तान में स्क्वाश का? देखिए, हर गेम के पीछे ऑब्वियसली मैं ये हमेशा कहता हूँ कि एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है, एक सेटअप की ज़रूरत होती है, और अगर उसको मेरिट पे ना चलाया जाए या उस पर काम ना किया जाए तो उसके बगैर आप इस लेवल पे नहीं आ सकते। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि पास में आपके पास माशाल्लाह बड़े वर्ल्ड चैम्पियन गुजरे हैं और बगैर फैसिलिटीज़ के, बगैर उस चीज़ों, मगर ये बार बार चीज़ रिपीट नहीं होती है। मैं अभी भी ये कहता हूँ कि टैलेंट की कोई कमी नहीं है, टैलेंट माशाल्लाह बहुत बेताशा पड़ा है, हर गेम में पड़ा हुआ है, मगर ये है कि जो उसकी एक रिक्वायरमेंट होती है, जो तरीकाकार है, वो बहुत ज़रूरी है। अगर वो चीज़ें आज भी शुरू हों तो मैं समझता हूँ कि हम इस गेम में दोबारा रिवाइव भी कर सकते हैं और हमारे पास माशाल्लाह जैसा टैलेंट है उसको हम चैम्पियन बना भी सकते हैं। बशर्ते हैं कि जो चीज़ जो रिक्वायरमेंट है वो उस तरह होनी चाहिए। और मैं मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो स्क्वाश को जो मकाम मिलना चाहिए थे, बीइंग अ 30 ईयर्स ब्रिटिश ओपन चैम्पियन और सो मेनी वर्ल्ड टाइटल जीते हुए, तो जो उसको एक सपोर्ट मिलनी चाहिए कि उस तरह की सपोर्ट शायद नहीं मिली, और जो एक मकाम मिलना चाहिए वो नहीं मिला। मगर अभी भी कोई देर नहीं है, अगर इन चीज़ों पर काम किया जाए तो आई एम श्योर वी कैन बैक। जी जहांगीर, आप खुद पक्के कराची वाले हैं, आपके एंसेस्टर्स पेशावर के हैं, इस टूर्नामेंट में कहाँ पे? हाँ जी जी, राइट। इस टूर्नामेंट में आप कराची को सपोर्ट करेंगे, पेशावर को, या किसी तीसरी टीम को पर्सनली? देखें, ये बड़ा मुश्किल सवाल है क्योंकि मेरे लिए तो सारी टीमें एक बराबर हैं और मैं पूरी पाकिस्तान को सपोर्ट करता हूँ। जहांगीर भाई, ये जहरे आपने अगर अनवीलिंग की है तो फिर ये तो आप सबके लिए एजाज है, आप इस मुल्क का ऐसा नाम है। जिस तरह पाकिस्तान सुपर लीग तरक्की कर चुकी है, ऐसा ब्रांड बन चुका है, जिस तरह इंडिया में होता है कि तमाम लीग्स को खड़ी करने के लिए बहुत सारे लोग सामने आए, शायद हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हॉकी और स्क्वाश को उस तरह ले कर चल सके, तो अंडर दी अम्ब्रेला ऑफ पाकिस्तान सुपर लीग, माजी में भी सपोर्ट किया, हॉकी टीम को भेजा था, तो अंडर दी अम्ब्रेला ऑफ पाकिस्तान सुपर लीग इन दो गेम्स को सपोर्ट किया जा सकता है? बिल्कुल हो सकता है। और आप देखें, जैसे बहुत सी कंट्रीज इसमें ऑलरेडी काम कर रही हैं और अपनी गेम को जिस तरह उन्होंने नेक्स्ट लेवल पे लेके गए हैं, आप उनसे सीख सकते हैं। जैसे आप ऑस्ट्रेलिया चल जाएं, इंग्लैंड चल जाएं, आपके नेबर मुल्क में भी देख लें, हर गेम की लीग्स हो रही है, तो ये एक बुनियाद होती है। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अब जो यंग रोड टैलेंट आ रहा होता है उसको एक मौका मिलता है, एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है जिसके ज़रिए वो अपने आप को परफॉर्म करता है। तो ये चीज़ें, ये लीग्स होनी चाहिए, सिर्फ एक गेम की महदूद तो नहीं होनी चाहिए। स्क्वाश है आपके पास, हॉकी है आपके पास, बॉक्सिंग है आपके पास, बैडमिंटन है, और भी गेमें ऐसी हैं जिसमें टैलेंट पड़ा हुआ है। और बेताशा टैलेंट की वजह से, मतलब ये है कि उनको जब मौके नहीं मिलते तो जाहिर बात है कोई हर एक नेशनल लेवल पे नहीं पहुंच पाता, मगर ये है कि लीग के जरिए उसको सीखने का और अपने आप को मनवाने का काफ़ी मौका मिलता है, तो ये होनी चाहिए। जहांगीर, आज पाकिस्तान क्रिकेट ने एक नया संघ ने रिव्यू किया है, पूरी पाकिस्तान सुपर लीग जो है वो पाकिस्तान में आई है,
एक तो इस पे आप क्या कहेंगे, दूसरे ये बताइए कि आप माशाल्लाह 7 मरतबा वर्ल्ड चैंपियन, 10 मरतबा ब्रिटिश ओपन चैंपियन और 555 मैचेस आपने मुसलसल जीते, तो आप समझते हैं कि एक ऐसा प्लेयर जो इंटरनेशनल स्क्वैश फेडरेशन का सदर भी रहा हो, क्या जिस तरह से ये पाकिस्तान सुपर लीग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कराई है, क्या पाकिस्तान में भी स्क्वैश सुपर लीग के इम्कान हो सकते हैं, मुमकिन है? जी बिल्कुल हो सकती है, और ये इनिशिएटिव जारी बात है पाकिस्तान स्क्वैश फेडरेशन को लेना चाहिए, इसमें प्राइवेट ऐसे जो स्पॉन्सर्स हैं उनको आगे आना चाहिए, क्योंकि जारी बात है बगैर फंडिंग की इसकी सपोर्ट नहीं हो सकती। मैं ये कहूँगा कि मेरी रिक्वेस्ट है जितने भी हमारे जो भी ऐसे इदारे हैं जो इसको सपोर्ट कर सकते हैं, फंडिंग कर सकते हैं, तो इनको आगे आना चाहिए और इसमें बाकायदा इस तरह की लीग करानी चाहिए, चाहे स्क्वाश है, चाहे हॉकी है, चाहे फुटबॉल है। आई एम श्योर उनके बगैर सपोर्ट से ये चीज़ें नामुमकिन है, मगर ये कि जब उनकी सपोर्ट होगी तो इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि इनिशिएटिव हो सकता है आगे। अपना सवाल पूछना। जहांगीर खान साहब, सवाल ये है कि ट्रॉफी उठाना तो आपका दाएं हाथ का खेल है, मगर आज जब आप पीएसएल की ट्रॉफी लेकर आए तो कुछ फीलिंग शेयर करेंगे नाज़रीन से, और दूसरा ये कि आप जिताते आए हैं और काफ़ी फार्मूले आपने दिए, आपने वजन बहुत तेजी से कम किया है, तो उसका भी कोई फार्मूला देंगे? ये आजकल का टॉपिक बना हुआ है सब जगह पे। देखिए सबसे पहले तो जारी बात है पीएसएल ट्रॉफी मेरे लिए, मतलब मैं तो ये कहता हूँ कि ये स्पोर्ट्स की जीत है, और चाहे मैं आता या कोई और भी लेजेंड आता या कोई भी ऐसा हीरोज आता, तो ये मेरे ख्याल से इट्स नॉट लाइक वो अपने लिए कर रहा है या किसी और चीज़ के लिए। सबसे बड़ी बात है पीएसएल 5 तो अपनी जगह पर है, मगर स्पोर्ट्स को रिवाइव करना एक इंटरनेशनल लेवल पे एक बड़ी बात चीज़ होती है, और सबसे मैं ये भी कहूँगा कि इंटरनेशनल प्लेयरों का शुक्रिया अदा करना चाहूँ कि वो इस मुल्क में आए और पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये एक अच्छी खुशाइन बात है कि एक अच्छा मैसेज उनके जरिए भी जाएगा। तो आई थिंक इस कम्बिनेशन ऑफ हमारी एडमिनिस्ट्रेशन हैं, प्लेयर्स हैं, इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं और जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं दूसरे फील्ड से हैं, आई थिंक ये सबका इवेंट है और सब इस चीज़ को इस लिहाज से नहीं देखते कि वो स्पोर्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं, स्पोर्ट्स अपनी जगह पे पाकिस्तान को भी साथ साथ सपोर्ट कर रहे हैं। जहाँ तक वजन की बात की है भाई, ये बड़ी सीक्रेट चीज़ें हैं, मगर ये कि मुझे याद है कि बहुत से लोग मुझे कहते थे कि शायद इस उम्र में ये चीज़ नहीं हो सकती और या वो डिटर्मिनेशन नहीं होगी, पर आई थिंक जब आप उनको अब मैं मिलता हूँ तो वो हाथ जोड़ लेते हैं। मैं कहता हूँ कि ये डिटर्मिनेशन और डिसिप्लिन जब हो तो हर चीज़ हो सकती है। ये सीक्रेट है यार, इतना कोई बता सकता हूँ। मुजम्मिल फ्रॉम इधर ऑन योर राइट, मेरा सवाल ये है आपसे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऑब्वियसली एक बड़ा स्पोर्ट्स बॉडी है, बड़ी स्पोर्ट्स बॉडी है पाकिस्तान के अंदर, यहाँ पर आपको एक ऑनररी तौर पर लाए गए हैं ताकि पीएसएल के थ्रू एक मैसेज दिया जाए कि वी रिस्पेक्ट आर हीरोज, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट कोई पीसीबी के जो हाई अप्स हैं उनसे कोई बात हुई है? क्योंकि पीसीबी हमेशा जो है वो सपोर्ट करता आया है, बार बार किया है उन्होंने दूसरे स्पोर्ट्स को भी, तो उनसे कोई बातचीत हुई है स्क्वॉश के लिए या दीगर स्पोर्ट्स के लिए कि कुछ किया जाए उनके लिए? आप बात कर रहे हैं मतलब पीसीबी टू सपोर्ट पाकिस्तान स्क्वॉश की बात कर रहे हैं? स्क्वॉश की या दीगर जो स्पोर्ट्स हैं ऐसी कोई बातचीत उनसे हुई हाई अप्स से? मतलब पीसीबी सपोर्ट करे ये कह रहे हैं? जी देखिए ये तो ऑब्वियसली बॉडी टू बॉडी, मतलब इसमें फेडरेशन खुद मतलब किसी चीज़ की रिक्वेस्ट करती है या उसको इन्वॉल्व करती है, तो वो तो गवर्नमेंट लेवल पे काम है, और मैं समझता हूँ कि जाहिर बात है इसकी जैसे पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड है या मिनिस्ट्रीज है, ये इनका काम है कि इसको किस तरह बैलेंस करके आगे लाना चाहिए, और मैं ये कहूँगा कि हर गेम को उसी तरह की सपोर्ट देनी चाहिए जिस तरह आप एक गेम को दे रहे हैं। मैं ये किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, मगर आई थिंक एवरी स्पोर्ट्स हैव द राइट और उसको उसका मकाम मिलना चाहिए, और ये अच्छी बात है कि जब आप सबको बैलेंस लेके चलते हैं तो हर एक को हर प्लेयर को सपोर्ट भी मिलती है और हर खेल को सपोर्ट मिलती है इसके साथ। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया जहांगीर भाई आपका। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। फौरन बाद शादाब खान और सरफराज दोनों साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे आप। थैंक यू। तो यह कम आवाज़